भाई कब से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ लेकिन अभी तक मैंने एक भी मछली नहीं पकड़ी है यार। मेरा लक तो एकदम से घटिया है इस गेम के अंदर, तो प्लीज गाइस मेरा लक यहाँ पर ठीक कर दो। अगर आप सबने सब्सक्राइब का बटन दबाया तो आई थिंक यहाँ पर मैं मछली भी पकड़ पाऊंगा। तो कमन 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 जल्दी से बटन दबा दीजिए। और इसी के साथ ही भाई मैंने एक्चुअली यहाँ पर मछली भी पकड़ ली, तो इसका मतलब ये है कि सब लोगों ने सब्सक्राइब का बटन दबा दिया। और मेरा जो दुबई जाने का रियल लाइफ में जो सपना है गाइस, उसको भी मुझे यहाँ पर कंप्लीट करना है, और वो हम जाएंगे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स के ऊपर। ओके, तो अगर मैं अपनी, और ये किसकी आवाज आ रही है, और यहाँ पर मैं बिल्ड करना शुरू कर, चपाती भाई क्या है, क्या क्या कौन सा बिल्ड यहाँ पे कर रहे हो? अरे मेरे को यहाँ पर एक नई तरकीब मिली है। मेरे कौन सी? चेक करना कि ये जो मॉडर्न धूम 84 की जो मैंने बाइक यहाँ पर लेकर रखी है, वो, मेरे को टेस्ट आउट करना कि क्या अपनी धूम 84 की बाइक पानी के अंदर चल सकती है कि नहीं चल सकती। तो ये मेरे को यहाँ पर चेक करना है। यहाँ पर आपको पता है ना, बाइक गाड़ी स्कूटर कुछ भी पानी के अंदर नहीं चलता है। हट जा गरीब बंदा, कौन मेरे सामने पीछे बैठ गए? और पहले मुझे ये बंदा, मेरी बाइक में आगे बैठू पीछे क्या? और पहले मुझे ये बताओ कि आपके पास बाइक आया कैसी ये भाई? आपके पास इतना पैसा कहाँ है? बंदा कुछ ले नहीं पाता, पहले इंक्वायरी करने के लिए यही आ जाता है, ये कहाँ से लिया, वो कहाँ से लिया। तो अभी आप आगे जाओ, मैं आपको पीछे खींचता हूँ। ये देखो गरीब बंदा, ओ माय गॉड। चलो चलो आगे जाओ, ये लो बाइक चेकआउट करूँ तो लेट्स गो। और सीधा डूब गए भाई, बाहर आ जाओ। मेरी पूरी बाइक जो है यहाँ पर डूब, ये क्या हो रहा है? देख रहा है भाई, ये क्या कर रहा है भाई? अंडरग्राउंड बाइक कैसे लेकर जा रहे हो भाई? मैं अपनी स्क्रीन में तेरे सामने खड़ा हूँ, लेट्स गो। ओए व्हाट चपाती भाई, व्हाट भाई, मैंने जमीन तोड़ी। और भाई भाई बाइक अपने आप कैसे बाहर आ चुकी है यार? सारी बाइक ऐसी होते है तेरे हिस्से के बाहर आई है बाइक खरीदना, ठीक है ना भाई? ये तो बैटमैन वाली स्कूटर आपके पास आ चुका है यार, बैटमोबाइल आ चुका है। फोटो खिंचवाने की चले, ये रहने दो भाई। ये गरीब वाली बाइक के साथ मैं नहीं खेलता, मुझे पता है भाई सेकंड हैंड बाइक आपने ली होगी। मुझे पता है भाई, ये आपने कहीं कबाड़ी से लिया भाई? ये वाली बाइक 1000 दुबई सिटी के अंदर नया शोरूम खुला, मैंने वहाँ से खरीदी है, मेहनत से तेरी तरह मैं यहाँ पे मछलियां नहीं पकड़ रहा था सारा दिन। व्हाट भाई, दुबई सिटी में गाइस? भाई चपाती भाई ने बोला कि दुबई सिटी के अंदर एक नया शोरूम खुला है, तो एक काम करते हैं गाइस, फिशिंग हम करेंगे बाद में। अभी मुझे जाकर देखना है कि दुबई सिटी के अंदर ऐसा कौन सा शोरूम खुल चुका है जो मैंने अभी तक नहीं देखा। लेट्स गो गाइस। जब भी दुबई सिटी के अंदर कुछ नया बनता है मुझे तो पता ही नहीं लगता। और ये कौन से सर जी है यार, पूरा गाइस गोल्ड की आउटफिट या सर जी पहन के आया है? हेलो सर जी, वेलकम टू दुबई सिटी। और यो लॉग में तेरे को बताना भूल गया, क्या 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 रहा तू? अरे ये रहा भाई, मैं आपके घर के पीछे खड़ा हूँ। अरे दुबई सिटी के अंदर अभी तेरे को तलवार वगैरह कोई वेपन लेके नहीं घूमने। अरे भाई सर जी आपके गोदाम के अंदर घुस गया? अबे टेंशन मत कर, बहुत अमीर बंदे हैं वो, टेंशन अच्छा। कहीं पर भी जाने की फुल ऑन परमिशन है। अच्छा वीआईपी बंदे हैं क्या? वीआईपी बंदे हैं या आईपीवी बंदे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत खतरनाक बंदे। तो मैं ये तेरे को बोलने वाला था कि शहर के अंदर कोई भी आर्मर कोई भी हथियार वगैरह लेके घूमने की परमिशन नहीं है, क्योंकि हमें ये दिखाना कि अपनी सिटी एकदम सेफ है और एकदम सिक्योर है और यहाँ पर कुछ भी जो है नहीं होता, ठीक है? ऐसे कठोर रूल किसने बनाए यार कि हम आर्मर भी नहीं पहन सकते? अच्छा अच्छा ऐसा क्या? अच्छा मैं समझ गया। ये लोग तो मुझे पता ही नहीं था कि हमारी सिटी के अंदर नए लोग आए हैं। गोदाम समझिए, जो चीज लेनी है सिर्फ $5,000 से आपको पड़ेगी, अपना गोदाम समझिए इसको। $5,000 यार, इतना पैसा आपके पास कैसे आ चुका है? अमीर बंदे हैं वो। अगर मैं अपनी जेब की तरफ देखूं तो मेरे पास सिर्फ 9 सेंट्स पड़े हुए हैं भाई, इसे पूरा डॉलर भी नहीं है यार मेरे पास। और ये रहा दुबई सिटी का ब्रांड न्यू शोरूम, और यार क्या पासवे यहाँ पर बना हुआ है, और बिल्कुल बाहर मैं देख सकता हूँ यहाँ पर लाइन के ऊपर क्या गाड़ियाँ खड़ी हैं। सर जी अगर आपको दुबई सिटी के अंदर को टीवी वाला बंदा दिखा ना तो वो चपरासी है, उससे आप काम करवा सकते हो, टेंशन नॉट। क्या बेइज्जती कर रहे हो भाई? मेरे लोग हैं, अमीर बंदे हैं, जहां सहन ले यार। आप खुद का खुद से काम करो ना भाई, खुद से काम करो। मैं गाइड हूँ। रहने दो भाई, गाइड यहाँ पर चीफ करेगा, आप नहीं करोगे। तो ये देखो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आएगी स्मार्ट कार, यहाँ पर ट्रैक्टर्स भी हैं, और अगर मैं थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर भाई बाइक्स भी खड़ी हैं, यहाँ पर ये भाई में एटीवीज भी खड़ी हैं, और अगर पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर कैरावैंस भी खड़े हुए हैं, और स्पोर्ट्स कार भी खड़ी हुई है, और बाइक भी खड़ी हुई है। यार ये तो बहुत बड़ा सा डीलरशिप मुझे यहाँ पर लग रहा है भाई। व्हाट, बंदर कहाँ से आ चुका है और ये मुझे मार क्यों रहा है? अरे सर जी मैंने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। अबे तेरे पास तो खतरनाक वाली मर्सिडीज वाली गाड़ी है, जल्दी निकाल, बहुत बड़ा कस्टमर आया है, इसको हटा, चपरासी को काम पे लगा यार, क्या कर रहा है तू? मर्सिडीज कहां से आ चुकी है और मैं चपरासी नहीं, और बंदर मुझे मार क्यों रहा है? इसको लग रहा है कि तू चोर है। अरे यार ये लॉग ही है, तू भूल जाता है बार-बार यार, क्या है इसको? यार मैं चोर नहीं हूं। और ये क्या लिख रहा है भाई, साइन के ऊपर लिख रहा है ये डेथ विश, लिखा है डेथ विश। रहने दो भाई, ये क्या लिखा है? सेल हो गई सारे, और तेरी मर्सिडीज सारी सेल हो चुकी है, अभी क्या करोगे? उसको भला भुसला के टाटा सुमो बिकवाता हूं उसको। अच्छा भाई यार उसको छोड़ो, और मुझे जानने की यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर बंदर क्या कर रहा है, यहाँ पर ये इस जगह की रखवाली क्यों कर रहा है, क्या हो
रहा है सब यहाँ पे। भाई शहर के अंदर नया डीलरशिप खुला है, सारे बंदे लाखों में कमा रहे हैं, लाखों में। और यहाँ पर क्या लेकर लड्डू बांट रहा हूँ यार, ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पर, ये लड्डू कौन पे बांट रहा है यहाँ पे? मेरी बात सुन लोगे, तेरे बस की बात नहीं है, तू गरीब बंदा, तू यहाँ से निकल जा भाई। रहने दो भाई, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, ये देखो मेरे हाथों के अंदर। वो भी मैंने तेरे को दिया था, ये सिल्वर वाले आपने मुझे दिए थे भाई, ये कॉपर वाले तो मेरे पास है। नया शोरूम खोला था, हाँ वो तो मेरे को पता है भाई, नया शोरूम तूने खोल कर रखा है। ये बंदर ने खोला है क्या? अबे ये इसका शोरूम है, यहाँ पर लाखों कमा रहा है, लाखों। ये बंदा बहुत तेज है भाई, पता है तेरे को, पता अमेरिका से गाड़ी आ रही है, यहाँ दुबई में बेच रहा है, बहुत चालू बंदा यार ये तो। ऐसा क्या, एक मिनट आ जाओ भाई, अंदर चल के देखती है। चल तो सबसे पहले यहाँ पर एक रेड वाली, भाई रेड वाली कार के नाम पर ऑरेंज वाली गाड़ी खड़ी है। इसके ऊपर नजर रखियो, ये गाड़ियों को टायर निकाल लेता है। रहने दो भाई, मैं कैसे टायर निकालूंगा, और अगर निकाल भी दिया तो कहाँ पे लेकर जाऊंगा भाई मैं। चल काम कर, क्या तेरे को यहाँ पर मेहनत करनी है, चल निकल यहाँ से। अगर तेरे को यहाँ पर लेटेस्ट गाड़ी लेनी है तो तेरे को मेहनत करनी है यहाँ पर, ठीक है ना? पहले बताओ आपके पास कौन सी गाड़ी है? मेरी तूने बाइक देखी ना? ये मेरे पास कौन सी बाइक है ये बता तू। यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है यार, सिर्फ पैर है मेरे, जाके मेहनत करके आ। चल अच्छा ऐसा क्या, चलो भाई मैं मेहनत करते हैं। तेरे को झाड़ू कटका करने के कोई ना कोई जॉब दे देगा, निकल यहाँ से। अच्छा यार चलो कोई बात नहीं, कोई लेटेस्ट मॉडल मेरे को दिखाई, लेटेस्ट वाला, हाँ ग्रीन वाला मस्त है ये। चपाती भाई तो यार लेटेस्ट मॉडल देने की बात कर रहे हो, और मेरे पास तो जेब में पैसे है ही नहीं कि मैं स्कूटर भी खरीद सकूं। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि चपाती भाई ने बहुत मस्त वाला आइडिया मुझे दे दिया है, और उन्होंने बोल के रखा है कि अगर मैं चीफ के पास जाऊंगा तो वो मुझे ढेर सारी जॉब्स देगा, और जॉब से मुझे मिलेंगे पैसे, और वही पैसा यूज करके गाइस मुझे यहाँ पर नई वाली गाड़ी खरीदनी। और देख रहे हो यार यहाँ के लोग यहाँ पर कितने ज्यादा रिच है, क्या क्या खतरनाक कपड़े उसने पहन के रखे हैं। और अभी मुझे जाकर चीफ को ढूंढना है। चीफ कहाँ पर है भाई? चीफ तू घर पर है क्या? अरे ये रहा हमारा दुबई सिटी का चीफ, कहाँ भाग के जा रहा है? ये वाली जॉब भी हो चुकी है। अरे यार ये वाली जॉब सामने मनहूस है यार, ये मेरे को करनी भी नहीं है। काम करते मैं देखता हूँ चपाती भाई कौन सी जॉब यहाँ पे कर रहे हैं। अरे चपाती भाई कौन सी जॉब कर रहे हो यहाँ पे? मेरे पास एक जॉब आ चुकी है। अच्छा, और वो मेरे को नहीं करनी, अगर तेरे को करनी है तो मैं तेरे को उसको पूरे $10 दूंगा। अरे भाई साहब $10? हाँ मैं करूंगा। कौन सी जॉब है? इतना मैं तेरे को दिखाता हूँ, यहाँ शहर के अंदर नए लोग तो तेरे को पता आ चुके हैं ना। हाँ मुझे यहाँ पर शहर के अंदर एकदम फंटास्टिक खतरनाक बिल्डर भी आए हैं। अच्छा बिल्डर भी आए हैं क्या? 5-6 बंदे हैं, उनके साथ तो मैं मिला भी नहीं। ऑब्वियसली वो बाहर गए बिल्डिंग वर्क को, सुबह काम पे जाते हैं, रात को आते हैं, पागल बंदा। हाँ बताओ बताओ फिर। बेसिकली बिल्डर लोगों को हमने ये पूरा जो है पहाड़ी जो कमरे हैं पूरे किराए पे देकर रखे हुए हैं, बहुत मोटा पैसा दे रहे हैं वो। लेकिन वो बिल्डर इतने पागल बंदे हैं ना, वो सुबह आते हैं इतना गन डाल देते हैं कि मैं क्या बताऊं, तो ये पूरा इलाका गन से भरा हुआ है। तो तू चपरासी है यहां पर, ये चपरासी नहीं हूं मैं। हां तेरे को वहां पर जाकर झाड़ू कटका करना है, और उनका थोड़ा कमरा वगैरह साफ करना है, और गन सारा चक्के ना लावा के अंदर फेंकना है, और कोई बदबू वगैरह नहीं आनी चाहिए वहां से। भाई ये कौन सा काम मुझे दे दिया यार? मुझे लगा यार हल्का सा काम होगा, यहाँ से चीज उठा के यहाँ पे रखनी है। ओके नहीं करना, कोई बात नहीं, किसी और को करता हूँ। नाटक ड्रामेबाज है, इसको जॉब दे, ऊपर से चिल्ला रहा है। ये हमारे बिल्डर्स लोग यहाँ पर समोसे भी खा रहे हैं यार। अच्छा पिज्जा है यार, मुझे लगा यार यहाँ पर समोसा गिरा हुआ है। यहाँ पर ब्रिज पूरी गंदी हो चुकी है, तो मैं सोच भी नहीं सकता कि घरों के पास यहाँ पर कितनी ज्यादा गंदगी होगी। और तेरी यार माल तो बड़ा महंगा महंगा खा रहे हैं ये लोग। ये देखो यहाँ पर भाई लॉबस्टर पड़ा हुआ है, यहाँ पर भाई मैकडोनल्ड्स के चिकन नगेट्स भी पड़े हुए हैं, और ज्यादा समोसे भी पड़े हैं, और पहले घर के अंदर ही कितना ज्यादा गंद यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो मुझे ये सारा यहाँ पर उठाना है, और इतनी गंदी बदबू यहाँ पर आ रही है। ओ भाई साहब यार इस घर के अंदर तो यार बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। तो एक काम करते हैं, स्मेल को फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा पानी मार लेता हूँ। देर वी गो, अभी यहाँ पर जमीन थोड़ी बहुत साफ हो चुकी है, तो दरवाजे को करो बंद, और अभी मुझे सेम करना है इस घर के अंदर। उठाओ उठाओ उठाओ, इसको भी उठाओ। कोने के अंदर फ्राइड चिकन भी पड़ा हुआ है, इसको भी उठाओ। टमाटर भी पड़े हैं, और यहाँ पर मारो थोड़ा सा और पानी। और अगर मैं F5 दबा के देखूं तो पूरी जगह यहाँ पर साफ अभी तक नहीं हुई है भाई। कोने के अंदर यहाँ पर चीजें पड़ी हुई हैं यार। हमारे बिल्डर लोग तो वाकई गाज यहाँ पर बहुत ज्यादा गन डाल रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि चपाती भाई ने बोल के रखा है कि ये बंदा किराया भी एकदम से सही दे रहे हैं। और इसी के साथ ही सारे घर मैंने यहाँ पर साफ कर दिए। लेकिन अगर घर की तरफ देखें तो पूरे घर गाज यहाँ पर लिटरली खाली पड़े हुए हैं। हमारे बिल्डर्स यहाँ पर इतना ज्यादा काम करते हैं, और फिर गाज वो थके आके भाई इस खाली घर के अंदर सो जाते हैं। तो एक काम करते हैं, मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा सामान तो पड़ा हुआ है, जैसे कि आइटम फ्रेम यहाँ पर पड़ी हुई है, तो इसके अंदर गाइस मैं थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल पड़ा है, तो एक क्राफ्टिंग टेबल मैं यहाँ कोने के अंदर लगा लेता हूँ। और क्या कर रहे हो चपाती भाई? मुझे तेरे ऊपर नजर रखनी।
नहीं आया तेरे को पता ना, मोटा कराया दे रहे हैं तो मेरे को मेक श्योर करना कि तूने सारे कमरे ठीक से साफ किए। अरे मैंने साफ किए भाई, साफ किया। ये ऊपर आके देख नुपड़ा बंदे, अभी तेरी जॉब में से मैं 1 रुपया काटूंगा तो देख लियो। अरे सर जी सॉरी यार, ये मैं भूल गया था, लेकिन भाई ये देखो मैंने आसपास डेकोरेशन भी लगा के रखी है। ओके ठीक है, तो पैसे नहीं काटूंगा, ठीक है तेरे को पूरे पैसे मिलेंगे। मैं बता रहा हूँ, अगर बिल्डर्स ने कोई भी कंप्लेंट की ना तो तू गया शहर से। चपाती भाई ने तो गाइस बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स मेरे ऊपर लगा दिए, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास अब थोड़ा सा और सामान तो है। और मैंने नोटिस किया है इस घर के अंदर लाइट तो बिल्कुल है ही नहीं, तो मैं 2-3 टॉर्चेस यहाँ पे लगा देता हूँ। एक टॉर्च जाएगा कोने के अंदर। ओके रॉगी, हाँ बोलो बोलो। ऑलराइट, रात भी होने वाली है तो इसका मतलब ये है कि अपने बिल्डर्स किसी भी समय वो आते ही होंगे भाई, आते ही होंगे काम करके। भूल गया यार, उनके आने से पहले हमें उनके लिए खाना पीना प्रिपेयर करना था। ओ माय गॉड, व्हाट भाई चपाती, आपने खाना प्रिपेयर नहीं किया यार। अरे टेंशन नॉट, फर्नेस वगैरह ना मेरी इन्वेंटरी के अंदर पड़े हुए हैं, तो ये 4 फर्नेस ले ले, मैं जाकर वहां पे रख देता हूं। मैं तेरे को कोयला भी दे रहा हूं पूरा पूरा। ये चोरी मत करियो कोई भी, तेरे को बता रहा हूं ठीक है। पूरे पूरे ब्लॉक्स निकाल रहे हो यार, आपके पास कुछ ज्यादा ही बजट आ चुका है भाई, पैसा बहुत ज्यादा हो चुका अपने पास। और ये ले, हर एक कमरे के अंदर चिकन वगैरह रेडी होना चाहिए, क्योंकि मेरे को पता वो थके थके आएंगे, और खाना पीना एकदम से रेडी होना चाहिए। और जल्दी कर, शाम होने वाली है। मैं जा रहा हूं भाई, चपाती भाई बिजी हो चुका यार ये बंदा तू। अरे आप टेंशन मत करो भाई, हर एक घर के अंदर भाई माल पहुंच जाएगा। तो ओके, मुझे चपाती भाई ने न्यू जॉब भी दे दी है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस घर के अंदर। ये ब्लॉक ऑफ कोल गाइस मुझे डालना है क्राफ्टिंग टेबल के अंदर, और इसका गाइस मुझे कन्वर्ट करना है नॉर्मल कोल के अंदर। ये जाएगा फर्नेस के अंदर, और यहाँ पर जाएगा हमारा पहला पीस ऑफ चिकन, और यही काम मुझे करना है अभी हर एक घर के अंदर। तो ये वाला घर भी मैंने एकदम से साफ कर दिया है, इसके अंदर भी जाएगा हमारा रो चिकन। भाई ये वाली जगह तो मैंने साफ की नहीं। आइए सबके घर के अंदर एकदम से खाना पीना एकदम से रेडी है, अब आपने बस जाना है और खाना है। अरे चपाती भाई आ चुके हैं क्या वो? निकल वहां से। हां निकल भाई, मैं निकल गया यार, कमरे के अंदर जाने के लिए रेडी हो रहे। कितने थके होंगे तेरे को पता भी है, वो सुबह से काम पे गए हैं। वो फर्नेस कहां पर लगा के रखा पागल बंदे ने यार। चपाती भाई इसको तोड़ देना, मेरे पास पिकैक्स नहीं है। और क्या वो आ गए? वो रे ओके, फिलहाल वो अपने वीआईपी कमरे के अंदर गए हुए हैं। आई थिंक उनका मालिक जो है वहां पर गया हुआ है। कहां पर है भाई? जाके पूछ इनको कुछ चाहिए तो। हां ठीक है ठीक है, मैं जाता हूं। इस घर के अंदर है क्या? ऊपर ये साथ वाले। अच्छा ये वीआईपी वाले घर के अंदर। ओके मैं जाके पूछता हूं। हेलो सर जी, मैं पहले दरवाजे के ऊपर नॉक कर लेता हूं। हेलो सर जी। हेलो, ये बंदर यहां पर क्या कर रहा है यार? वो मेन बंदा चुप कर। अच्छा मेन कैरेक्टर यही है क्या? ओके। अरे हेलो सर जी, आपको कुछ चाहिए तो नहीं ना बंदर? इनको कुछ चाहिए तो नहीं ना? फिलहाल तो यार ये ऑलराइट लग रहे हैं, लेकिन आई थिंक इनको भूख लगी हुई है। तो एक काम करते हैं, फर्नेस तो पड़ा हुआ है और मेरे पास 2 रॉ चिकन भी पड़े हुए हैं, तो ये मैं डाल देता हूं फर्नेस के अंदर। देयर वी गो। ओके सर जी, अगर आप दोनों को किसी चीज की जरूरत पड़े, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं। तो लीजिए आपके बेड वगैरह भी सारे रेडी हो चुके हैं। अगर आप दोनों को किसी चीज की जरूरत पड़े तो ये टीवी वाला मुंह देख रहे हो ना, ये अपना चपरासी है। रहने दो भाई कर। अच्छा हां 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 ठीक है ठीक है। सामने बेल लगी हुई है तो उसको दबा देना, वो सीधा चपरासी आपके कदमों में हाजिर। भाई साहब यार, चपाती भाई तो यार सही बेइज्जती कर रहे हैं मेरी। पैसे कमाने के नहीं कमाने। हाँ, ये भी सही बात है। तू जा, मैं भी निकलता हूँ। ठीक है ठीक है, मैं चलता हूँ। मिलते हैं। अभी इनका मेन बिल्डर कहाँ है? वो तो अभी तक आया भी नहीं है। ये अच्छा, ये मेन बिल्डर नहीं है क्या यहाँ पे? अच्छा ये वो कारीगर लोग हैं यार, ये मेन बंदा नहीं है इनका। ठीक है ठीक है ठीक है। और सुनो भाई, मुझे पेमेंट कब मिलेगी? अबे मेन बंदा तो होने दे। अभी तेरे को दिखा इनका मेन बंदा क्या? यार मैंने उसको अभी तक देखा ही नहीं। भाई किसी काम में अटक गया होगा। यहाँ पर तो यार ये बिल्डिंग कर रहा है। अरे सर जी कोई बात नहीं, रात हो चुकी है, आपकी शिफ्ट जो है फिनिश हो चुकी है, कल कर लेना, टेंशन नो ठीक है ना, कल कर लेना। लुको दे दो ब्लॉक, दो ये ब्लॉक को, दो ब्लॉक ले लो, ब्लॉक ले लो उससे चपाती भाई ये काम। चलो आप खत्म कर लो और मैं लेकर ठीक है भाई, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। बिल्कुल आराम कीजिए, टेंशन ना ठीक है, आपकी सुबह की चाय वगैरह एकदम से आपके कमरे के अंदर पहुंच जाएगी। अरे भाई साहब नाइस नाइस, $10 और जो भाई मैंने एक्स्ट्रा वर्क किया उसका भाई छोटा सा टिप भी दे देना। टिप कैसे दूं तेरे को? अच्छा टिप चाहिए, ये ले। कहां पर? हां हां तेरी चवन्नी है पूरी, बता चवन्नी से मैं पूरा जंबो जट ले सकता हूँ। हाँ हमारे जमाने में चवन्नी बहुत आगे जाती थी। रहने दो भाई, चवन्नी की वैल्यू आजकल की जनरेशन को है ही नहीं। गाइस इतना ज्यादा काम किया लेकिन मुझे सिर्फ $10 मिले, लेकिन कोई बात नहीं, सीधा चलते हैं शोरूम के अंदर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि $10 में मुझे यहाँ पर बहुत मस्त वाली बाइक मिल जाएगी। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। एक काम करता गाइस, मैं पैसे भी हाथ में पकड़ लेता हूँ। और हेलो सर जी, कैसे हो यार? सर जी तो यहाँ पर मस्त चिलिंग मार रहे हैं। अच्छा सर जी बता दो, मेरे पास पूरे $10 का बिल है, तो इससे मैं क्या खरीद सकता हूँ? कम ऑन, ये क्या लिखा है? $10 में सिर्फ इतना ही आएगा? तेरी यार, इसका मतलब ये कि गाइस जो चपाती भाई के पास बाइक है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है $10 से।
भाई भाई कहां से आ रहे भाई, कहां से हंस रहे हो? एक्सपेंसिव वाली बाइक है, तेरे बस की बात नहीं है, इसको लेना चल। अच्छा भाई साहब, यार चपाती भाई तो गाइस मुझे यहां पर बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, और भाई इसने मेरी ट्राइसिकल भी उठा ली यहां से। तो एक काम करते हैं गाइस, मैं यहां से $10 की ट्रॉली ही ले लेता हूं। भाई क्या तेरी ट्रॉली के अंदर भाई फ्यूल डालना पड़ता है यार? सर जी इसके अंदर फ्यूल ढाके दे दो यार मुझे। चपाती भाई तो गाइस मुझे सही ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन गाइस कोई बात नहीं, इसका बदला हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो गाइस अगर आपको ये सीरीज सो फार पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलिए टेक एवरीबॉडी एंड बाय बाय।